हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ वर्लपूल कंपनी की रिसेंटली लॉन्च की गई 265 लीटर्स डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये एक एंटी स्क्रैच ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर है और आप इस फ्रिज को अपने नियरेस्ट रिटेल आउटलेट से या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। यहाँ पे देखी जा सकती है इस फ्रिज की स्पेसिफिकेशंस। वोल्टेज रिक्वायर्ड है 230 वोल्ट और ये 130 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है और इसकी कैपेसिटी है 265 लीटर्स की और इसका मॉडल है 21502। इस फ्रिज की डायमेंशंस भी यहाँ पे दी गई है और इस फ्रिज की MRP है 33,250 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इस फ्रिज को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और साथ में देखी जा सकती है कुछ अदर डिटेल्स। और ये एक 2-स्टार रेफ्रिजरेटर है और 1 ईयर में अप्रॉक्स 253 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। इस फ्रिज पर मिलती है हमें 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और इसके कंप्रेसर पर मिलती है हमें 10 ईयर्स की वारंटी। ग्लास डोर होने के कारण फ्रंट में कोई भी हैंडल नहीं प्रोवाइड किया गया है और साइड में ग्रिप दी गई है जिसकी मदद से इस फ्रिज को ओपन किया जा सकता है कुछ इस तरह से। आइए अब इसके साइड व्यू को अच्छी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप, कंप्लीट डोर पे ग्रिप प्रोवाइड की गई है जिसकी मदद से फ्रिज को ओपन किया जा सकता है। आइए अब इस फ्रिज को सारे साइड से क्लोजली देख लेते हैं। इसका कलर एंड पैटर्न बहुत ही अट्रैक्टिव है और एंटी स्क्रैच वाली ग्लास डोर है। और ये इस फ्रिज की बैक साइड और बॉटम में आप कंप्रेसर यूनिट देख सकते हैं। आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनसाइड व्यू को। फ्रिज को ओपन करने के बाद ये है इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इंप्रेशन। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रीजर वाले सेक्शन को। फ्रंट में एक ट्रे प्रोवाइड किया गया है जिस पे आप आइसक्रीम ब्रिक या कुछ फ्रोजन फूड रख सकते हैं। आइस ट्रे में आप कुछ इस तरह से मूव करके आइस को कलेक्ट कर सकते हैं। ये डिटैचेबल होती है और ये है इसका क्लोज व्यू। इसके अंदर आप वाटर फिल कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह से मूव होती है। फ्रीजर सेक्शन के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब दी गई है जिसकी मदद से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और ये है फ्रीजर की डोर साइड। दो रैक प्रोवाइड की गई है फ्रोजन फूड के लिए और इस रैक को डिटैच किया जा सकता है क्लीन करने के लिए। फिर से फिक्स कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिज सेक्शन को। सबसे पहले हमें एक शेल्फ दिखता है एवरीडे फ्रेश, इस पे आप डेयरी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इसे पुल कर सकते हैं। हेवी क्वालिटी की शेल्फ प्रोवाइड की गई है, टफन ग्लास की बनी हुई शेल्फ है और साइड में प्लास्टिक की ग्रिप दी गई है और कुछ इस तरह से इसे आप वापस से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दो टफन ग्लास की शेल्फ हमें मिलती है, शेल्फ को कुछ इस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं, आप शेल्फ को किसी भी स्लॉट में फिक्स कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। यूटेंसिल्स अगर बड़ी हो या छोटी हो सो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स के ऊपर एक कवर प्रोवाइड की गई है, प्लास्टिक की बनी हुई ये शेल्फ है और इसमें मॉइस्चर कंट्रोल के लिए एक स्विच दिया गया है। हेक्सावियर पैटर्न प्रोवाइड की गई है। और ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स जिसे फार्म फ्रेश नाम दिया गया है और ये अच्छी क्वालिटी की दिख रही है और हेवी है। और ये इसके सारे साइड्स का व्यू। फ्रिज सेक्शन में भी टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब प्रोवाइड की गई है, आप इसे सीजन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और साइड में फ्रेश फ्लो की दो वेंट्स दी गई है और फ्रंट में एक्टिव डीओ की आप वेंट देख सकते हैं। यह है क्लोज व्यू और ये है डोर साइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इजी रैक है, उसके बाद बॉटल रैक दी गई है, बड़ी बॉटल्स को भी आप आसानी से रख सकते हैं। और उसके बाद नीचे एक और रैक दी गई है, सो डोर साइड में टोटल चार रैक दिखती है। साथ में एक एग एंड लेमन ट्रे प्रोवाइड किया गया है। और ये इस फ्रिज का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस मैनुअल को रेफर करें और जिस भी डीलर से आप इसे परचेज करें फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स को फिल करवा लें। ये हेल्प करेगी फ्रिज की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया वर्लपूल कंपनी के 265 लीटर्स ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।